बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपनी फिल्मों की वजह से कम और जिस तरीके से वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं उस वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सोनू सूद इस बात की जानकारी भी देते रहते हैं कि किस तरह से वो लोगों की मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ लोग उन्हें ट्विटर पर मदद के लिए टैग करते हैं और सोनू उनमें से कई लोगों का रिप्लाई करते हुए भी नजर आ चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच सोनू सूद ने मंगलवार यानी कि 19 जुलाई को एक बहुत सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के हार मानने के बाद उनकी टीम कोमा में पड़े एक व्यक्ति को फिर से उसकी जान बचाने में सफल रही। निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा दावा था, लेकिन इस दावे को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जो तस्वीर उन्होंने साझा की है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीर में जो बाइक दिख रही है उस पर जो नंबर लिखा है उसको भी फर्जी बता रहे हैं। सबसे पहले सोनू सूद ने जानकारी देते हुए बहुत सारे ट्वीट किए हैं और उसमें वो क्या लिखते हैं ये आप जान लीजिए। सोनू सूद कहते हैं, राम प्रसाद भंडारी नाम का एक व्यक्ति और उसकी बेटी तेलंगाना से पूरे रास्ते गाड़ी से निकले और हाल ही में उनके दरवाजे पर आए। अभिनेता ने उनकी एक तस्वीर भी साझा की जिसमें उन्हें एक छोटी लड़की और आंध्र प्रदेश में पंजीकृत बाइक पर बैठे एक व्यक्ति के साथ देखा जा सकता है। सोनू सूद ने एक और ट्वीट में लिखा, वो आदमी कुछ समय पहले कोमा में था और सभी डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, तभी उनकी टीम ने इस मामले में कदम रखा और उस व्यक्ति की जान बचाई। फिर सोनू सूद लिखते हैं, लड़की की आंखों में खुशी थी, उसे खुश और स्वस्थ देखना मेरे लिए अद्भुत था। इस तरह के क्षण मुझे अपने उद्देश्य के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आशीर्वाद है जो एहसास कराते हैं कि एक छोटा सा काम कितने बड़े प्रभाव पैदा कर सकता है। बस सोनू सूद के ये जो बैक टू बैक ट्वीट्स आए इसको लेकर कुछ लोगों ने उन पर सवाल उठा दिए। जैसे कि एक यूजर ने लिखा, बाइक का नंबर किसी भी वाहन के लिए पंजीकृत नहीं है और बाइक का नंबर भी एडिट किया गया है। एक यूजर ने आंध्र प्रदेश पुलिस, तेलंगाना पुलिस और भारत के गृह मंत्रालय को टैग करते हुए सोनू सूद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी। उन्होंने ये कहा कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी वो साझा कर रही हैं जो ऐसी बाइक चला रहा है जिसका आरटीओ पंजीकरण में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक यूजर ने सोनू सूद के ट्वीट का जवाब देते हुए इसे धोखाधड़ी बताया और एक और फोटो शेयर की जिसमें बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब सोनू सूद पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हों। इससे पहले आपको याद होगा कई सारे लोगों ने ऐसे ट्वीट्स किए थे, ये दावा किया था कि सोनू सूद फर्जी तरीके से लोगों की मदद करते हैं, ट्विटर पर इसको अपडेट करते हैं और बाद में जो लोग मदद मांगते हैं वो अपने ट्वीट्स को डिलीट कर देते हैं। तो ये कहां तक सच है? खैर, वो मुद्दा दब गया था, एक बार फिर से ये मामला उठा है। आप बताइए, सोनू सूद जिस तरीके से लोगों की मदद कर रही हैं, क्या आपको लगता है वो फेक हैं? क्या आपको लगता है वो फर्जी हैं या फिर पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा कर रही हैं? आपका इस पूरे मामले पर जो भी कहना हो कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।